हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 10। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें क्या क्या एंट्रीज हैं, क्यों बनाते हैं, क्या है इस अकाउंट के बारे में, और साथ में हम थोड़ा सा इसी कंसेप्ट को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के रूप में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, 11th में आप सबने अकाउंटिंग सीखी है, तो अब आप वहां पर जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको आप उतार देते थे और एक नया अकाउंट बन जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? यहां पर नंबर 2 पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर उतर आता था। आई शुड मेंशन इट हेयर एज ए, और फिर उसके बाद जब हम सॉल्व करते थे तो यहां एक नेट प्रॉफिट आ जाता था और काम खत्म हो जाता था। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाता था। यहां तक आपने 11th में पढ़ा है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म्स में हम पार्टनर्स को जो पेमेंट्स करते हैं, मेनली, ऐसा नहीं है इसमें रिजर्व की भी एंट्री आती, यानी मेनली इस नेट प्रॉफिट की पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग में, हेडिंग क्या है भूलिएगा नहीं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, यानी पार्टनरशिप फर्म्स के केस में जो हम ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें एक और अकाउंट बनता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन बोल सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन से दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स के केस में बनता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। यानी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में बनाना सीखा है, अब उसकी एक एक्सटेंशन, एक एडिशनल ब्रांच आ गई, और जो कि बेसिकली उस नेट प्रॉफिट का करना क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट नेट प्रॉफिट, मे बी एक्सेप्शनली अ लॉस, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी है, दैट इज वी हैव टू स्टडी। पिछली वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब पार्टनर्स को तभी अलाउड होगी जब प्रॉफिट हो, नहीं तो लॉस होगा तो नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रेंट टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीट होगा, इसी में ही, वही पुराना जो आपने पहले से पढ़ा होगा, यहां पर उसकी एंट्री नहीं होगी। अब अगर हम पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से स्पेशली बने हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखें, तो ये नेट प्रॉफिट अब यहां पर उतर जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी ये बेसिकली आपका नेट प्रॉफिट उतर के आ जाएगा। यानी जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहां उतरता था, ऐसे ही नेट प्रॉफिट अगर मैं यहां पर एक बार दोबारा से बना दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये नेट प्रॉफिट आप उतर जाएगा यहां पे, जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट उतरा ऐसे ही नेट प्रॉफिट उतर जाएगा, यहां पर भी मैंने वही लिखा है। अब डेबिट साइड में अगर मैं आइटम्स की बात करूं, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, IOC। दूसरी एंट्री इसमें आएगी सैलरी, ऑब्वियसली वो 2-2 करके आएगी, इतना तो आपको ध्यान ही होगा। देन इसके अलावा इसमें आएगी आपकी एंट्री कमीशन, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और क्या आएगा, अगर रिजर्व दिया है तो रिजर्व ट्रांसफर किया है तो वो भी इसमें आ जाएंगे। और लास्ट में अब जो बच गया, अच्छा एक और क्रेडिट साइड पे एक इंपॉर्टेंट आइटम है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी पार्टनरशिप फर्म में ही होगा, पार्टनर्स जो ड्रॉइंग कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट यहां पर ट्रीट होगा, राइट? तो आपने 11th में जो पढ़ा था उससे कंफ्यूज मत करना है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स रिलेटेड बेसिकली वर्किंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। स्पेशली जो एप्रोप्रिएशन एंट्रीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो एंट्रीज चार्ज वाली हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर्स मेनली, वो तो चली जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे जानी चाहिए ट्रेडिशनली, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एंट्रीज आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व्स। अब फिर इसके बाद ये माइनस ये जो बच गया आपके पास, रियली में अब जो प्रॉफिट बचा है वो कैसे होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू, ये अंदर ही लिखना है मेरे पास, आपको पता है बोर्ड पे लिख रहा हूं तो. सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब जैसे माना है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर है तो बी इज कैपिटल अकाउंट. इस तरह से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है. क्लियर है? तो एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहली बात, एन एक्सटेंशन, एन एडिशनल पी एंड एल अकाउंट ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर ट्रांसफर होगा. क्रेडिट साइड में मेनली सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा. डेबिट साइड पे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व्स, ये एंट्रीज हो गई. और फिर बाद में जो प्रॉफिट बच गया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो फिर इक्वल हम बांटकर पार्टनर्स की कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्लियर. नाउ अभी इसके ऊपर जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे यू विल बी मोर फेमिलियर. नाउ अब आप ध्यान से देखिए कि ये दो आइटम्स को जोड़ के अगर ये चार आइटम मैं माइनस कर दूं, यानी कि दिस माइनस दिस, ये दो आइटम्स को प्लस करके ये चार आइटम्स को मैं माइनस कर दूं, तो ये जो मेरा प्रॉफिट बचा, एग्जैक्टली ये वही तो है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. आप अपनी कॉपी में एक अलग हेडिंग बना लीजिए, मैं भी दोबारा से इस चीज को लिखवाऊंगा. जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा इसके ऊपर गहराई में जाने के, लेकिन दो मिनट लगाएंगे सिर्फ. दिस प्लस आईओडी माइनस दीज फोर आइटम्स, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, या डिविजिबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. ठीक है ना? तो एक मिनट फॉर्मैलिटी के लिए मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा मेरे को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने आपको प्रॉपरली इसको लिखवा दिया. नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस आईओसी माइनस सैलरी टू पार्टनर्स, ये भी वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स एंड रिजर्व्स, अगर आपने कोई पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है. ठीक है, और इसमें आपने बस ऐड करना है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ध्यान दीजिएगा मैंने आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई ट्रीटमेंट नहीं बताई, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नहीं. ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही चल रहा है. और इसको अगर मैं इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करूं तो अब जो आंसर आएगा वो है मेरा डिविजिबल प्रॉफिट. या इसका दूसरा नाम जो मैंने सामने भी लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. इतना सा खेल है, अच्छे से आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा. फिर भी कोई डाउट है तो या तो वीडियो दोबारा देख लो या थोड़ा बहुत मेरे को कांटेक्ट कर लो. थैंक यू.